राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी व आयुक्त एवं सचिव मनीषा भाटिया ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से ग्रामीण आबादी के सर्वेक्षण कार्य हेतु संचालित स्वामित्व योजना की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ADMCT सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आयुक्त एवं सचिव मनीषा भाटिया ने कहा कि स्वामित्व योजना के नोडल अधिकारी नामित कर ग्रामीण क्षेत्र में समिति गठित किया जाए तथा ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफ लेकर उसका डाटा एंट्री किया जाए, जिससे उसका नक्शा कर आगे की कार्रवाई की जाए। के बाद क्या-क्या कार्रवाइयां करनी हैं? सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो डिस्ट्रिक्ट्स ने अभी तक अपने नोडल अधिकारी नहीं नामित किए हैं वो तत्काल कर लें। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी अभी नामित नहीं हुए हैं वो काइंडली नोट कर लें। वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बलिया, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर और बाराबंकी। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले नोडल अधिकारी अभी नामित हुए हैं, मैं उनका भी नाम लूंगी। डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, चंदौली, अयोध्या, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बलरामपुर, गाजीपुर, वाराणसी, फतेहपुर, जालौन, चित्रकूट, प्रयागराज, महाराजगंज, बस्ती, बलिया, देवरिया और मऊ। अगर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के नोडल्स और तहसील नोडल्स कर दिए हैं इनमें से जो मैंने बताए ना, तो काइंडली हमारे को तुरंत सूचना इसकी भेज दें, और अगर नहीं किए हैं काइंडली आज ही करके हमारे को सूचना भेज दें। दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने जो ड्रोन सर्वे करवा लिया है तो वो टू पेज अगर आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है SOP, वो टू पेज डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है, उसमें काफी डिटेल में बताया गया है। माय रिक्वेस्ट इज कि ईच एंड एवरी पर्सन जो इस सर्वे में इन्वॉल्व है, विलेज लेवल अधिकारी भी और जिले अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल अधिकारी, वो सारे इसको पढ़ने जरूर पढ़ लें, जरूर पढ़ लीजिए, और इसी के हिसाब से आपकी जो सर्वे की प्री सर्वे एज वेल एज पोस्ट सर्वे एक्टिविटीज होनी है। आपको प्रारूप सारे भेजे जा चुके हैं, डिटेल्ड SOPs भेजे जा चुके हैं, तो काइंडली गो थ्रू दिस सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन एंड देयर शुड बी क्लैरिटी। और अगर कोई भी आपके यहाँ दिक्कत है, कुछ है, तो आप हमारे को फोन करके पूछ सकते हैं। अपने जो स्टीयरिंग कमिटीज हैं उनकी मीटिंग डेफिनेटली कर लीजिए, अगर आपको ये कहा गया था कि करके आइए, गाइस आई होप आप सब ने कर ली होगी। इससे काफी इश्यूज जो हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट में ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे बताया गया है। प्रारूप 5 पे आपने डेटा एंट्री करवानी है, पोर्टल पे वो प्रारूप आप अवेलेबल है, लेखपाल लेवल, तहसील लेवल पे लॉगिन भी अवेलेबल है। आप जो वो पूरी जो डेटा आपने गांव का डेटा आपने लिया है प्रारूप 5 पे, वो एकत्रित करके आप उसकी डेटा एंट्री प्रारूप 5 पे कर सकते हैं, और ये तत्काल किया जाना है। उसको उसकी डिटेल है वो आपको प्रारूप 5 वो बेसिस है, खरौनी का जो फाइनली दिया जाएगा उसका बेसिस है, वो उसका करेक्ट डेटा, सही डेटा वो एकत्रित करके डेटा एंट्री करनी है पोर्टल पे ही। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पोर्टल पे ही आपने डेटा एंट्री करनी है। वो अगर आपने नहीं शुरू करवाई है, जो कि हमने देख लिया यहाँ पर कि नहीं करवाई गई है एक्सेप्ट फॉर बाराबंकी, वो तत्काल उसकी शुरू कर दीजिए, बिकॉज आपकी जो खरौनी ऑनलाइन ही बनेगी और इसी डेटा के बेसिस पे बनेगी, और ये डेटा स्वच्छ होना चाहिए, केयरलेसली मत कीजिए इसको, सही और सत्यापित और ध्यानपूर्वक इसका कलेक्शन एज वेल एज डेटा एंट्री दोनों होगी। और जब ये प्रारूप 5 आप इसकी डेटा एंट्री कर लेंगे तो आपको ये भी बताया गया है कि आपकी टीम जिसने डेटा कलेक्ट किया है प्रारूप 5 पे, वो दोबारा जाएगी पड़ताल पे जब आपके मैप्स आपको सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मिल जाएंगे। जो ड्रोन सर्वे हुआ है उसके बाद एक आपको मानचित्र 1 मैप फर्स्ट प्रिलिमिनरी मैप मिलेगा। मैप के लिए आपके पास सर्वे ऑफ इंडिया के फोन नंबर्स आपको दिए गए हैं, आप उनके साथ इन टच रहिए। अभी तक हमारे को ये सूचना मिल रही है कि उनके मैप उनके पास तैयार होकर पड़े हुए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट से कोई कलेक्ट
ये अत्यंत ही खेदजनक है, पड़े हुए हैं, काइंडली कोऑर्डिनेट विद देम। जिस दिन उनका आपका सर्वे हो जाएगा उसके 7 डेज के बाद मैप्स तैयार हो जाते हैं। तो आप तीसरे चौथे दिन ही सर्वे ऑफ इंडिया से फोन करके पूछ लीजिए और अपना तैयारी हो जाएगी, गलतियाँ जो होंगी वो उसमें सही करके समावेश उनका किया जाएगा। और जो प्रारूप गलतियाँ अगर कोई आपने देखी है तो वो सही करके प्रारूप 7 उसको शुद्ध बनाया जाएगा। बेसिकली फॉर्म 5 का रिफाइंड वर्जन और करेक्टेड वर्जन है फॉर्म 7। कोई ऐसे टीचर्स हैं जो कि मैप में छूट गए हैं और सरकारी जो संपत्तियां हैं उनकी पड़ताल दोबारा वेरिफिकेशन की जाएगी और तहसील लेवल अधिकारी भी इसकी वेरिफिकेशन करेंगी। ये सारा आपके SOP में दिया गया है, काइंडली उसको पढ़ लीजिए और उसी के हिसाब से आप अपनी कार्रवाई कीजिए। ये जो कार्रवाई है टाइम कंज्यूमिंग कार्रवाई है, इस कार्रवाई को कम से कम हफ्ता लगता है। ये